नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शो। आज मैं आपको इस पंप के बारे में बताऊंगा जो कि एक वाटर टाइप टेंडर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक फायरमैन के होने के नाते हमें पंप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप ड्राइवर हैं या फिर बीकॉम ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको पंप के ऑपरेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पंप कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है और कैसे अपने सक्शन कर सकते हैं कोई भी आउटर जगह से। तो इसके लिए पंप के बारे में अपने को जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज अपने इसी के ऊपर आए हैं वीडियो बनाने के लिए कि पंप कैसे अपने ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुभारम्भ करें। ये है वाटर टाइप फायर टेंडर का मेन पंप, जिसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे कि इस पंप को कैसे ऑपरेट करते हैं तथा इस पंप में क्या खासियत है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वाल, काफ़ी सारे आउटर इनलेट दिखाई दे रहे होंगे, अपने इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर फायर सर्विस के अंदर एक ड्राइवर अलग से होता है। ड्राइवर इसलिए रखा जाता है कि वह एक तो गाड़ी को ऑपरेट कर सके, दूसरा पंप को भी चला सके। तो पंप चलाने का मेन मकसद है फायर फाइटिंग करना। अगर पंप ही नहीं चलेगा तो अपने फायर फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो पंप अपना बेसिक है कि पंप चलना ज़रूरी है। तो पंप के बारे में एक फायरमैन को या फिर अपने कहें कि ड्राइवर को पंप ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने देखते हैं पंप को कैसे अपने ऑपरेट करते हैं। ये है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर वर्किंग करता है। सभी फायर टेंडर या यूं कहें कि जितने भी पंप फायर ऑपरेशन के अंदर काम आते हैं उनमें लगभग सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज किए जाते हैं। आज का जो टाइम है उसके अंदर सभी फायर टेंडरों के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज किया जाता है फायर फाइटिंग के लिए। तो इस पंप के जरिए अपने ए क्लास की फायर यानी लिक्विड का यूज करके आग को बुझा सकते हैं तथा साथ ही साथ फोम टाइप भी बना सकते हैं। यानी इस पंप से जो पानी निकल रहा है उसके आगे अपने अगर फोम कनेक्शन कर दें तो वह फोम यानी बी क्लास की फायर को भी बुझा सकता है। तो यह टेंडर ए और बी क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने इस वीडियो को दो भागों में बांटते हैं। पहली होगी सक्शन करने का कि जो अपना यह टेंडर है इसके अंदर पानी कैसे भरा जाए। तो टेंडर में पानी भरने के लिए काफ़ी विधियां हैं, उनके जरिए अपने पानी भर सकते हैं। यह जो टेंडर है इसकी कैपेसिटी 1600 लीटर है, यानी इसमें जो टैंक है पानी का वह 1600 लीटर पानी इसमें फिल हो सकता है। और पंप की जो कैपेसिटी है वह है 2250 लीटर पर मिनट, वो भी 7 kg के प्रेशर के साथ। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे सक्शन इनलेट की, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यह है इसका सक्शन इनलेट। इसको खोलने के बाद इस पे ये 4 लग्स लगे हैं। इसको सक्शन रेंच के जरिए खोलने के बाद यहाँ पर अपने सक्शन होज कनेक्ट करेंगे और कोई भी आउटसाइडर जगह जैसे कोई नदी, तालाब, कुआं इत्यादि में से पानी या टैंक में से पानी लेने के लिए उसको अपने टैंक के अंदर डाल देंगे। इसके बाद में अपने सारे ही वाल, जितने वाल हैं सभी को बंद करेंगे और प्राइमिंग वाल को ओपन करेंगे। इसके अंदर जो प्राइमर लगा है वह है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर, जिसके जरिए यह पंपिंग सिस्टम के द्वारा आग पानी को उठाता है। ये जो प्राइमर लगा है यह है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर, जिसके अंदर पंपिंग होता है, एक पिस्टन होता है जो आगे पीछे घूमता है, तो उसके जरिए वैक्यूम बनता है और पानी इसके अंदर इनलेट होता है। सभी वाल को बंद करने के बाद में अपने प्राइमिंग वाल को ओपन करेंगे। इसके बाद में जो यहाँ पर पिस्टन लगे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर पिस्टन लगे हैं जो अप एंड डाउन करते हैं, जिसके जरिए वैक्यूम पैदा होता है और पानी सक्शन के अंदर आ जाता है। इसके बाद में अपने डिलीवरी होज वाल को ओपन करेंगे और यहाँ से पानी जब निकलने लगे तब अपने को पता लग जाएगा कि इसने प्राइमर पकड़ लिया है और इस तरह से अपनी गाड़ी के अंदर पानी भर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इन दो जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मेल वाल्व, जिनके अंदर NRV लगी है, इन्हें अपने रिले बोलते हैं। इन रिले के जरिए भी अपने पानी को इनलेट कर सकते हैं। कोई भी आउटसाइडर हाइड्रेंट है वहाँ से हाइड्रेंट का जो पोर्शन है हाइड्रेंट से डिलीवरी होज कनेक्ट करके इसके अंदर अपने यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यह टैंक में पानी भरना शुरू कर देगा।
तो यह सेकंड ऑप्शन था जिसके जरिए अपने पानी भर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि ये जो आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा वाल, जिसे डिलीवरी होज का मेल कपलिंग कहते हैं, यहाँ पर भी अपने हाइड्रेंट से कनेक्ट कर देंगे, या फिर कोई अदर गाड़ी है जिसके ज़रिए अपने इसमें पानी भर सकते हैं। इसमें फ़र्क एक ही है कि इससे अपने सिर्फ ये होज रील चला सकते हैं, इनसे पूरी गाड़ी के अंदर पानी भरा जाएगा। तो एक और लास्ट ऑप्शन है कि टैंक ऊपर की तरफ एक ढक्कन लगा है टैंक का, जिसके अंदर से अपने पानी को भर सकते हैं। तो इस तरह से पानी भरने के लिए टैंक में काफ़ी ऑप्शन है जिनके ज़रिए अपने टैंक के अंदर पानी भर सकते हैं। अब बात करते हैं फायर फाइटिंग की। अगर कोई आपदा होती है तो अपने फायर फाइटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर फायर फाइटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो फायर फाइटिंग के लिए अपने इसमें तीन ऑप्शन हैं। एक मॉनिटर के ज़रिए फायर फाइटिंग करना, जो आपको यहाँ पर ये मॉनिटर दिख रहा होगा, एक तो इसके ज़रिए फायर फाइटिंग करना। दूसरा, अपने होजरील के ज़रिए फायर फाइटिंग कर सकते हैं। यह होजरील इसमें दो लगी है, एक यहाँ पर है, एक साइड में भी लगी है। तो होजरील के ज़रिए अपने फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और तीसरा मेन है जो डिलीवरी होज के ज़रिए फायर फाइटिंग करना। तो ये डिलीवरी होज के दो आउटलेट हैं जिनके ज़रिए अपने फायर फाइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार ब्लैंक कैप लगा है, यहाँ पर अपने डिलीवरी होज कनेक्ट करने के बाद में इसको जितनी दूर लेके जाना हो वहाँ पर ले जाने के बाद में अपने फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ये था इसका कुछ ओवरव्यू जिसके ज़रिए आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं मेन वाल्व की। तो ये है मेन वाल्व जिसको अपने ओपन करने के बाद में पानी टैंक से होता हुआ पंप के अंदर आएगा और पंप से अपने डिलीवरी होज कनेक्ट करके यहाँ से अपने फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इस पंप को चलाने के लिए सबसे पहले अपने PTO यानी पावर टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद में जो यहाँ पे आपको ये थ्रोटर दिया गया है इसके ज़रिए अपने रेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे इसकी रेस पंप पर असर करेगी। जो ये पंप है इसको रेस मिलेगी उसके ज़रिए। इसके पीछे इसकी शाफ्ट लगी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी शाफ्ट है जो आगे तक गई है मेन पंप के साथ। तो फायर फाइटिंग के लिए अपने इस पंप का यूज करते हैं। तो इस पंप को रेस यहीं से दी जाती है कम या ज़्यादा, तो यहाँ से इसको बोलते हैं अपने थ्रोटर। इसके बाद में जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह इसका डिलीवरी होज का आउटलेट का वाल है जिसके ज़रिए अपने डिलीवरी होज से पानी निकाल सकते हैं। और ये इसका लग्स लगा है जिसके ज़रिए इसको ब्लैंक कैप को हटाने के बाद में यहाँ पर डिलीवरी होज लगा सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि यह सक्शन इनलेट है। इनकी अगर डाया की बात करें तो सक्शन इनलेट होता है 100 mm का, और डिलीवरी होज के जो ये आउटलेट हैं ये होते हैं 63 mm के। इसके बाद में जो यह वाल लगा है इससे मेन गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए ऑन किया जाता है। और यहाँ पर तीन कंट्रोल पैनल भी लगे हैं जिसके अंदर पहला है लो प्रेशर गेज, दूसरा है हाई प्रेशर गेज और तीसरा है कंपाउंड गेज। लो प्रेशर गेज यह दिखाता है कि पंप के अंदर लो प्रेशर, मतलब कि अपने अगर गाड़ी पंप जो है इसको अगर लो प्रेशर पे चला रहे हैं तो लो प्रेशर दिखाएगा, हाई प्रेशर पे चला रहे हैं तो हाई प्रेशर दिखाएगा। इसका जो वाल है ये यह दिया गया है, यहाँ पे लिखा है हाई प्रेशर ऑफ और ऑन। ऑफ का यानी लो प्रेशर, ऑन का मतलब हाई प्रेशर। इसको अपने अगर इसको घुमा कर हाई प्रेशर पर कर देते हैं तो अब जो होजरील है इनका हाई प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पर दो ये वाल दिए गए हैं, यह जो पहला वाल है यह है लो प्रेशर होजरील का, कि यानी अगर लो प्रेशर पे होजरील चलानी है तो इसको ओपन करेंगे, और अगर हाई प्रेशर पे होजरील चलानी है तो इसे ओपन करेंगे। इसके बाद में ये है मॉनिटर का वाल, कि अगर ऊपर जो मॉनिटर लगा है उसको अगर अपने को ऑपरेट करना है तो अपनी इस वाल को ओपन करेंगे, इसके ज़रिए मॉनिटर के पास पानी पहुँचेगा। और इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये एक वाल रहता है, इसके ज़रिए पानी जब अपने टैंक के अंदर फिल करते हैं तब इस वाल को खोलते हैं, जिससे पानी टैंक के अंदर जाना शुरू होता है। और ये आपको जो पाइप दिख रही है यह पानी के लेवल को दर्शाती है कि पानी किस कहां तक भरा है। इसमें अभी लगभग यहां पर पानी दिखाई दे रहा है, शायद आपको यहां पे दिखाई ना दे रहा हो, तो पानी अभी यहाँ तक भरा है, यानी यह लगभग 75% तक भरा हुआ है। तो इसका यूज अपनी फायर फाइटिंग के लिए करते हैं। यह एक वाटर टाइप फायर टेंडर है। तो आशा करता हूँ आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लास्ट पोर्शन देखना ना भूलें, जिसके अंदर मैंने आपको गाड़ी के पूरे ओवरव्यू के बारे में दिखाया है, तो ध्यान से उसको देखें। बाय बाय।